Assalamu alaikum, 6 class. Hope you all are fine. In collaboration with Allied School Al Fajr Campus, I'm your computer teacher. My name is Sabiha. Today we will discuss lecture number 1. Unit number 8, computer viruses and their effects. सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअली में वायरस होता क्या है. वायरस कोई भी एक ऐसी चीज है जो कि हमारे कंप्यूटर में अनऑथेंटिक वे से एंटर होती है और हमारे कंप्यूटर की सेटिंग्स, उसके जो प्रोग्राम्स हैं उनको अल्टर कर देती है, चेंज कर देती है, हमारे कंप्यूटर को हार्म करती है, उसको नुकसान पहुंचाती है, उसे हम कहते हैं कंप्यूटर वायरसेस. जैसा कि आप अपने आम रूटीन में भी वायरस का जब लफ्ज़ सुनते हैं तो उसका मतलब एक इन्फेक्शन है जो कि आपकी बॉडी के सिस्टम को ख़राब कर देता है. इसी तरह कंप्यूटर वायरसेस क्या हैं, जो कंप्यूटर के सिस्टम को जो है वो डैमेज कर देते हैं. एंड देयर इफेक्ट्स, और हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर वायरसेस क्या हैं और उसके इफेक्ट यानी उसके असर क्या होते हैं. यूनिट नंबर 8 में कंप्यूटर वायरसेस एंड देयर इफेक्ट्स क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द कंप्यूटर वायरस? सबसे पहले कंप्यूटर वायरस क्या है? अ कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम डेट इज सीक्रेटली इंट्रोड्यूस्ड. सीक्रेटली का क्या मतलब है? सीक्रेट से, मतलब एक सीक्रेट वे से आते हैं, हमें बता के तो नहीं आएंगे ना, वो सीक्रेट तरीके से आपके कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस होते हैं इन ऑर्डर टू करप्ट और डिस्ट्रॉय डाटा. क्यों होते हैं? इन ऑर्डर टू करप्ट, ख़राब करने के लिए, एंड डिस्ट्रॉय, तबाह करने के लिए आपका डाटा. जब आपके कंप्यूटर में आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम सीक्रेटली तरीके से आने का क्या मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम नेट से कोई अनऑथेंटिक जो है वेबसाइट, वहाँ से कोई डाटा लोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं आप कोई चीज़, कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, कोई ईमेल आपके पास ऐसे आती है, तो वो सीक्रेटली तरीके से उसके साथ आ जाता है वायरस और आपके सिस्टम को करप्ट कर देता है, यानी उसकी सेटिंग्स ख़राब कर देते हैं या डिस्ट्रॉय डाटा. बस उसका ऐसे होता है कि आपका डाटा डिलीट भी हो जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है. गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ मैक्रो वायरस. कोई सी भी दो जो है अपने वायरस की एग्जाम्पल देनी है, क्या मेलिसा और कॉन्सेप्ट वायरस. क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट नेम्स ऑफ एनी 4 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. सबसे पहले तो एंटीवायरस आपके पास क्या होता है? जो वायरस है वो तो आपको पता है, जो आपके कंप्यूटर को हार्म कर रहा है. एंटीवायरस क्या होता है? उस वायरस को ख़त्म करने के लिए जो आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसे हम कहते हैं एंटीवायरस. जाहिर है आपके कंप्यूटर में वायरस तो आया, आप उसका कोई सोल्यूशन भी होगा जिसकी वजह से आप उसे ख़त्म कर सकें, तो उसके लिए जो हम बनाते हैं सॉफ्टवेयर उसे हम कहते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जो कि आपके कंप्यूटर में चेक करता है वायरस है और अगर है तो उसको रिमूव कर देता है ताकि आपका इम्पोर्टेंट डाटा लॉस ना हो सके. उसकी यहाँ पे एग्जांपल्स हैं कुछ एंटीवायरस के, काफ़ी होते हैं यहाँ पे, नॉर्टन, कैस्पर्स्का, MCFE, AVG, ये सब एंटीवायरस हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन फायर वॉल. जैसा कि नेम से जाहिर है वॉल किसे कहते हैं बेटा? एक दीवार को कहते हैं. इस तरह से समझ लें, एक दीवार है. अब वो किसके दरमियान दीवार है? अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बेस्ड ब्रिज बिटवीन टू नेटवर्क विच कीप्स अ सिक्योरिटी लेवल. ये एक ब्रिज की तरह, ब्रिज किसे कहते हैं? पुल को. इसी तरह से ये ब्रिज की तरह एक दीवार होती है जो दो चीज़ों के दरमियान हायला. वो कौन सी दो चीज़ें हैं? दो नेटवर्क्स होते हैं विच कीप्स अ सिक्योरिटी लेवल. क्यों रखा जाता है सिक्योरिटी लेवल के पेश नज़र? क्योंकि जाहिर है यहाँ से कोई चीज़ आई है तो यहाँ पे जाएगी, अगर वो इन्फेक्टेड है, उसमें वायरस है, तो इसको हार्म करेगी. तो इस वजह से इसके दरमियान एक फायरवॉल लगाई जाती है जो कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बेस्ड ब्रिज है दो नेटवर्क के दरमियान, जो कि सिक्योरिटी लेवल को जो है वो मेंटेन करती है. वो सिक्योरिटी लेवल किस पर्पज़ के लिए? कोई चेक करती है कि उसमें वायरस तो नहीं है, अगर वायरस नहीं है देन उसे आगे फॉरवर्ड करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, वॉर्म्स क्या होते हैं? ड्राइव शॉर्ट नॉट्स ऑन वॉर्म्स एंड ट्रोजन. ये हमारे पास दो चीज़ें क्या हैं? अ वॉर्म इज अ मालवेयर प्रोग्राम डेट डुप्लीकेट इटसेल्फ. डुप्लीकेट का क्या मतलब है? एक चीज़ है आपके पास, उससे मिलकर उसने एक और बना दी, फिर उसने एक और बना दी, इस तरह से मतलब डुप्लीकेट करता है अपने आप को, जो दोहराता है. दिस वायरस डज नॉट नीड एनी होस्ट फाइल टू अटैच. उसे किसी फाइल की ज़रूरत नहीं होती कि उसके साथ कोई अटैच करो तो उसमें वो वायरस डालता जाए, बल्कि वॉर्म्स कैन स्प्रेड वेरी फास्ट इन ग्रेट नंबर्स. बल्कि वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, मतलब कि वो अपने आप को स्प्रेड करते जाते हैं. जैसे वायरस आता है ना, तो ज़ाहिर वो इन्फेक्शन फैलाता है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, वो अपने आप को डबल करते जाते हैं, वो ग्रेट नंबर्स में फैलते जाते हैं. फॉर एग्जांपल सेसिस एंड ब्लास्टो, ये उसकी एग्जांपल है आपके पास.
नेक्स्ट आपके पास ट्रोजन हॉर्सेस. ट्रोजन हॉर्सेस इज अ प्रोग्राम डेट अपियर्स टू बी बेनिफिशियल एट फर्स्ट ग्लांस बट एक्चुअली डैमेजेस द कंप्यूटर. ये जब ट्रोजन हॉर्स आता है तो वो ऐसे अपियर होता है जैसे वो फ़ायदा मंद है आपके कंप्यूटर के लिए, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली में आपके कंप्यूटर को क्या कर रहा होता है, डैमेज कर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल बीस ट्रांजीज, ये आपके जो है इसकी एग्जाम्पल है ट्रोजन हॉर्स की. स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका आज का लेक्चर ख़त्म हो गया है. थैंक यू सो मच लास्ट एंड अल्लाह हाफिज़.